श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम निजातम नगर नंगली निवासी भगवान श्री 1008 गुरु महाराज स्वरूपानंद जी का 137वां जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से उनके सेवकों की तरफ से मनाया गया। इस दौरान मीराबाई, सुदेशबाई, मोहिनीबाई, रमाबाई, मीनूबाई, पुष्पाबाई, निक्कीबाई, आशाबाई सहित कपूर परिवार की ओर से एसटी ग्रुप के एमडी हरीश कपूर, एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर, हकीम तिलकराज कपूर अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कपूर, अर्पित कपूर, किरण कपूर, मोनिका कपूर, दिशान कपूर, मनन कपूर, गौरवी कपूर, भावना कपूर, आकांक्षा कपूर, प्रोमिला चोपड़ा, उमा बांबड़ी, पूजा सयाल और धर्मेंद्र महात्मा ने सर्वप्रथम पूजा अर्चना की, जिसके पश्चात केक काटकर नंगली निवासी भगवान श्री 1008 गुरु महाराज स्वरूपानंद जी का 137वां जन्म उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मीराबाई, सुदेशबाई, मोहिनीबाई ने बताया कि श्री गुरु महाराज का जन्म दिवस पूरे विश्व के साथ साथ मेरठ के पास श्री नंगली दरबार में बसंत पंचमी के दिन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है और दूर दूर से लोग श्री नंगली दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। इस मौके पर असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। श्री नंगली निवासी भगवान की सच्ची सरकार की जय। मालिक के प्यारे प्रेमियों, आज श्री गुरु महाराज जी का नंगली निवासी भगवान का 137वां जन्म महोत्सव है। नंगली धाम में भी बहुत खुशी से मनाया जा रहा है। सब शहरों में जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है अपने इष्ट देव का जन्मदिन मनाना। बच्चों के जन्मदिन तो सब मनाते हैं, क्या करते हैं, होटलों में जाते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं। उससे अच्छा है कि गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज जी का जन्मदिन जितनी खुशी से मना सकें उतना ही कम है। वो हमारी दौलत है, वो लोक में भी काम आएगी, परलोक में भी काम आएगी। श्री गुरु महाराज जी नगरी निवासी भगवान एक बहुत चमत्कारी महापुरुष थे, बहुत ही कमाई वाले महापुरुष थे, लेकिन अपने आप को बहुत छुपा कर रखते थे, जाहिर नहीं करते थे। कहते थे कि अपने चमत्कार दिखाना साधु के लिए लानत है, इससे साधु की कमाई ख़त्म होती है, इसलिए अपने आप को बहुत छुपा कर रखते थे।
है, इसलिए श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की है। जलंधर में गुरु महाराज जी का जन्मदिन हर साल की तरह जलंधर में मनाया जा रहा है, इसीलिए सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें अपने गुरुदेव नंगली निवासी भगवान का जन्मदिन मनाने का मौका मिला है। यहाँ पर भी हर वर्ष की भांति इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया श्री नंगली निवासी भगवान का जन्मोत्सव, जो कि सब शहरों में जहाँ जहाँ उनके नाम लेवा कहलाते हैं वहाँ सब ने बहुत खुशी से मनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, भाग्यशाली जीव हैं हम, हमारे लिए ये बहुत कर्मा वाला दिन होता है कि जिस दिन हम अपने मालिक का गुणगान गायन करते हैं। देखो इसी बहाने हमें उनके गुणगान करने का मौका मिला, उनकी लीलाओं का याद करने का मौका मिला। सबको बताते हैं कि हमारे घर में हम नंगली निवासी भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं। देखो बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो जो कोई आश्रम में मनाते हैं वो सबको बताता है जाके कि हम अपने गुरुदेव घर के गुरुदेव के घर में गए, वहाँ पर अपने जन्मदिन का मनाया, केक काटा। लेकिन यहाँ तो त्रिलोकीनाथ मालिक उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। कितनी खुशी का दिन है, कितनी खुशी है। बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं हम, हमें ऐसा मौका बार बार हाथ में नहीं आता, क्योंकि आजकल मनुष्य काल की गति में निर्वृत्त होता जा रहा है, क्योंकि काल गति सबको व्याप्ती है। इसलिए हमें जो समय हाथ में आया है उसको जाने नहीं देना, बहुत ही धूमधाम से अपने मनोभावों के कागर करते हुए उनके चरणों में अपना ध्यान बख्शें, मालिक अपने चरणों का ध्यान बख्शें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। गुरुमुखो, हर साल की तरह इस वर्ष भी हमने श्री नंगली प्रभु का 137वां जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से निजातम नगर जलंधर में सभी भक्तों ने, सभी भाईजी ने, सभी संतों ने मिलकर बड़ी ही धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया। हमारी सबकी कपूर परिवार की तरफ से यही गुरु महाराज के चरणों में अरदास है कि वो आने वाले वर्ष ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शते रहें, और अपना आशीर्वाद कपूर परिवार पे, समस्त जो है जग पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए।